गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 10, टेंथ एंड हंड्रेड्स। प्रीवियस 4 to 5 लेक्चर से हम ये लेसन स्टडी कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हमने कन्वर्ट करने के सम्स किए थे, जिसकी मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाई थी। 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, 1 kg इज इक्वल टू 1000 gram, 1 rupees इज इक्वल टू 100 paise, और फिर उससे रिवर्स वाली भी फॉर्मूला हमने लिखी थी और हमने कन्वर्ट करने के सम्स को सॉल्व किया था। उसके बाद हमने डेसिमल वाले नंबर्स को वर्ड्स में और वर्ड्स में दिए हुए वर्ड्स से हमें उसको फिगर में डेसिमल के सम्स हमने सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने जो फ्रैक्शन में दिया हुआ हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के सम्स किए थे। फिर डेसिमल वाले नंबर्स को असेंडिंग में अरेंज करना और डिसेंडिंग में अरेंज करना। फिर प्रीवियस पीरियड में हमने डेसिमल वाले नंबर्स का एडिशन एंड सप्रेशन के सम सॉल्व किए थे और हमने मैथ का टॉपिक भी किया था। ओके, तो आज हम एक और मैथ का टॉपिक ले लेते हैं। ओके, जो रुपीस पैसे वाला है। मैच द फॉलोइंग सेक्शन ए एंड बी। ओके, यहाँ हमें रुपीस पैसे में मैच का टॉपिक दिया हुआ है। पार्ट ए में हमें दिया है रुपीस 2/10, सेकंड में रुपीस 20/10, थर्ड में रुपीस 50/10, फोर्थ में रुपीस 5/100, फिफ्थ में रुपीस 1/4 एंड सिक्स में रुपीस 1/2। अब पार्ट सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में हमें पैसे में कन्वर्ट करके दिया है। ओके, तो यहाँ पर जो सेक्शन ए हम लिख देते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, तो सेक्शन ए में हमें रुपीस में दिया हुआ है, सेक्शन बी में हमें पैसे में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें सामने वाले में से आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा। तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं यहाँ सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँ, चलो। ओके, तो जो आंसर आएगा वो आएगा पैसे में, तो हम इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, 0 0 कट, कितने पैसे, 20। मैं पैसे के लिए बी लिख रही हूँ सिर्फ, यहाँ 0 0 कट, 200 पी, 0 0 कट, 50 times 500 पी, 100 100 कट, 5 पैसे, 25 4 100, तो 25 पैसे, 50 2 100, तो 50 पैसे। ओके, मैंने सबके आंसर लिख दिए। रुपीस को जब हमें पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
देखो फर्स्ट नंबर में मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 कट हो गया, 10 2 20, अब वो पैसे में कन्वर्ट हो गया, तो मैं पैसे के लिए पी लिख रही हूँ। नंबर टू, रुपीज 20/10 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 0 0 कट हो गया, 20 10 200। ओके, फिर थर्ड नंबर देखो, रुपीज 50/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कट, 50 10 500। नंबर फोर, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 100 कट हो गए, तो आंसर आया 5p। फिफ्थ नंबर, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, कितने 4 जा 100, तो 25 4 जा 100, तो 25p। सिक्स नंबर, रुपीज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने 2 जा 100, 50 2 जा 100, तो हमने 100 को कट करके 50 लिख दिया, 50 पैसों के। अब हमें ये सारे आंसर सामने दिख रहे हैं, तो हम यहाँ आंसर करके लिख देंगे। ओके, वन नंबर है 20 पैसे, कहाँ पर दिए हुए हैं, सी, तो वन के सामने आएगा सी। सेकंड नंबर 200 पैसे, तो 200 पैसे डी, डी। थर्ड नंबर 500 पैसे, तो एफ। फोर्थ नंबर 5 पैसे, ई। फिफ्थ नंबर 25 पैसे, ए। और यहाँ पर 50 पैसे, तो पी। ओके, तो इस तरह से हम मैच का आंसर लिख देंगे। इसके पहले मैंने आपको मैच का ही टॉपिक करवाया था, उसमें भी मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दिया था, तो जब भी मैं वर्कशीट में आपको दूँ, आप इसी तरह सॉल्व करके आंसर लिखोगे। ओके, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो सबको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो होगा पैसे में। और फिर सेम आंसर दिख रहे हैं, ओके, वन के सामने सी, टू के साथ डी, थ्री के साथ एफ, फोर के साथ ई, फाइव के साथ ए, एंड सिक्स के साथ बी। ओके, तो इस तरह से हम मैथ का टॉपिक एकदम इजीली सॉल्व कर पा रहे थे। अब हम इसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम का टॉपिक करेंगे। नंबर वन क्वेश्चन लिख देंगे पहले हम, योगेश परचेसेस Thank you.
सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अभी तक हमने जो मैथ्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन किए वो जो डेसिमल्स वाले उसी तरह के ये सम्स में से हम अरेंज करेंगे। तो देखो, योगेश परचेज इज अ पेन ऑफ रुपीज 7.50। अ पेन मतलब एक पेन, एक पेन उसने 7.50 रुपये की परचेज की, रुपीज 7.50। ओके, मतलब 7.50 रुपीज की उसने एक पेन खरीदी। टू पेंसिल्स ऑफ रुपीज 2.50 ईच, दो पेंसिल्स खरीदी तो एक पेंसिल की प्राइस है 2.50, मतलब 2.5 रुपये, 2.50 रुपये। वैसे उसने दो पेंसिल्स खरीदी तो कितने पैसे हो गए उसको पेंसिल्स के, 5 रुपये हो गए ना, वो हम अभी मेथड में दिखाएंगे। उसके बाद टू इरेजर्स ऑफ रुपीज 0.75। ओके, तो रुपीज 0.75 मतलब 75 पैसे का एक, ऐसे उसने टू इरेजर परचेस किए शॉप से, फ्रॉम अ शॉप। हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे टू द शॉपकीपर, तो उसको शॉपकीपर को कितने पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो मैं आपको एक अभी मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, मैं प्लस वाला करके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम पर्टिकुलर सभी चीज़ों की प्राइस कर लेंगे और फिर हम टोटल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अ पेन, पेन की प्राइस है रुपीज 7.50। ओके, अब है टू पेंसिल्स, तो एक पेंसिल की प्राइस है रुपीज 2.50, तो 2.50 दो बार करेंगे हम, ओके। तो देखो मैं इसको स्टैंडिंग में भी करके आपको बता दूं, तो टू पेंसिल्स का क्या प्राइस आया, रुपीज 5। इस तरह से हमें फाइनल उसकी प्राइस ढूंढ लेने की कि उसको पेंसिल कितने में पड़ी, उसको इरेजर कितने में पड़ा। ओके, तो पेन एक ही खरीदी थी तो हमने एक ही बार लिखा, फिर उसने दो पेंसिल्स खरीदी। ओके, तो एक पेंसिल की प्राइस थी रुपीज 2.50, तो दो पेंसिल ली थी तो हमने दो बार उसको प्लस कर दिया, रुपीज 2.50 प्लस रुपीज 2.50। फिर मैंने आपको स्टैंडिंग में एडिशन करके भी दिखाया तो आंसर आया रुपीज 5। अब टू इरेजर, तो इरेजर थे 70 रुपीज 0.75। ओके, तो 0.75 0.75 0 1। ओके, कितना हुआ रुपीज 1.50, 1.5 रुपया हुआ उसको इरेजर का। ठीक है, फिर से पूरा क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ। योगेश परचेसेस अ पेन ऑफ रुपीज 7.50, टू पेंसिल्स ऑफ रुपीज 2.50 ईच एंड टू इरेजर्स ऑफ रुपीज 0.75 ईच फ्रॉम अ शॉप। एक पेन ली, दो पेंसिल ली और दो इरेजर ली। तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया, पहले हम सबकी अलग अलग प्राइस ले लेंगे फिर सबका टोटल कर देंगे। तो अ पेन मतलब एक पेन ली। ओके, उसने एक पेन ली रुपीज 7.50, तो पेन के लिए तो उसको 7.50 रुपये ही पे करने पड़े। ओके, अब उसने दो पेंसिल्स ली तो एक पेंसिल ईच मतलब हर एक का अलग अलग, एक पेंसिल की प्राइस थी 2.50 रुपीज, तो दो पेंसिल की तो 2.50 प्लस 2.50 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, पर आपको यहाँ मल्टीप्लाई के डेसिमल्स नहीं दिए हैं इसलिए मैंने 2 टाइम प्लस कर दिए। अगर 3 लिए होते तो 3 बार प्लस कर देते हम, तो उसको दो पेंसिल के लिए 5 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब है इरेजर, दो इरेजर उसने परचेस किए, एक इरेजर की प्राइस थी रुपीज 0.75,
तो हमने 0.75 दो बार ऐड किया तो आंसर आया ₹1.50, 1.50 रुपया। ओके, अब हमें पर्टिकुलर सारी चीज़ों की प्राइस मिल गई, अब हम टोटल करेंगे। तो पेन के लिए यहाँ लिखेंगे ₹7.50 पेन, फिर लिखेंगे ₹5 2 पेंसिल्स एंड ₹1.50 इसके लिए 2 इरेजर्स। अब हम ये सबका प्लस कर देंगे, ₹14। उसको कुल मिलाकर ₹14 पे करने पड़ेंगे। ओके, कुछ चीज़ें उसने एक एक ली हैं, कुछ चीज़ें उसने दो दो ली हैं, तो सबके मिलाकर कितने रुपीस हुए, 14। अब हम इसका आंसर का स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। जब भी वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यू हैव टू राइट ऑल द फॉर्मूलाज प्रॉपरली एंड एट लास्ट यू हैव टू राइट आंसर स्टेटमेंट इन वन सेंटेंस। ओके, तो यहाँ हाउ मच है ना, हाउ मच के लिए हम लिखेंगे ₹14। ही हैव टू पे द शॉपकीपर। ओके, ये है आंसर का स्टेटमेंट कि टोटल ₹14 उसको पे करने पड़ेंगे। ओके, बहुत इजी सम है कि सिंपल है, आप इस तरह का काम करते होगे दुकान में, आप अपने पेंसिल इरेजर बुक कुछ भी लेने जाते होगे तो आपको ये हिसाब आना चाहिए। प्रैक्टिकल सम्स है जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं। ओके, अब सेकंड नंबर का वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। सेकंड नंबर का वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। सुनीता पेज ₹9.25 फॉर वेफर्स एंड ₹5.75 फॉर चॉकलेट्स। बहुत इंटरेस्टिंग सम है आपके लिए, है ना, एंड गेट्स ₹5 बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो मतलब बैक क्यों मिला, उसने पैसे दिए होंगे, उसमें से जितने पैसे उसने चीज़ खरीदी उसके हुए उतने माइनस करके ₹5 वापस दिए। ओके, अभी आगे है हमारा कि हाउ मच मनी डिड शी पे टू द शॉपकीपर। ओके, जैसे कि मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल दूं कि दुकान वाले ने मुझे ₹20 वापस दिए, मैंने ₹80 की चीज़ खरीदी थी, तो 80 प्लस 20 100,
मैंने उसको 100 रुपीज़ दिए होंगे दुकान वाले को, तो उसने वो 100 में से 80 रुपीज़ कट करके 20 रुपीज़ मुझे वापस दिए। इसी तरह पहले हम ये सारी चीज़ों का टोटल करेंगे, फिर दुकान वाले ने जो 5 रुपये दिए उसको भी टोटल कर देंगे, तो सबका जो टोटल आएगा उतने पैसे सुनीता ने शॉपकीपर को पे किए हैं। ओके, अब हम मेथड करेंगे। और रुपीस 9.25 फॉर वेफर, ओके, फिर रुपीस 5.75 फॉर चॉकलेट, ओके, एंड मतलब ये दो ही चीज उसने दुकान से परचेज की, वेफर एंड चॉकलेट। वेफर है रुपीस 9.25, मतलब 9.25 रुपीज़। चॉकलेट है रुपीस 5.75, मतलब 5 रुपीज़ एंड 75 पैसे। ओके, तो ये दो चीज़ों का हम पहले टोटल कर देंगे। 5 + 5 = 1, 1 + 2 = 3, 3 + 7 = 0, 1, 9 + 1 = 10, 10 + 5 = 15, मतलब कि 15 रुपये का सामान उसने दुकान से खरीदा। ओके, और दुकान वाले को उसने कितने पैसे दिए होंगे कि दुकान वाले ने 5 रुपये उसको वापस दिए, तो आप सिंपली हिसाब कर सकते हो कि इसने 20 रुपये दुकान वाले को दिए होंगे, तो दुकान वाले ने 20 रुपीज़ में से 15 रुपीज़ कट करके 5 रुपीज़ वापस दिए होंगे। ओके, अब हम करेंगे रुपीज़ 15 + रुपीज़ 5 क्या थे, बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, ओके। अब हम आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे कि दुकान वाले को क्या नाम है, सुनीता, सुनीता ने 20 रुपीज़ दिए होंगे, जिसमें से कितने रुपीज़ हुए, 20 रुपीज़। दुकान वाले ने 20 रुपीज़ कट करके बाकी के 5 रुपये सुनीता को वापस दिए होंगे। ओके, ये 15 रुपीज़ क्या है, टोटल परचेसिंग अमाउंट कि उसने जो भी चीज़ें खरीदी वो सबका कुल मिलाकर हुआ 15 रुपये, और दुकान वाला भी 5 रुपये वापस दे रहा है, तो 20 रुपीज़ उसने शॉपकीपर को दिए होंगे। ओके, अब हम आंसर का स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, देखो ये जो हाउ मच है उसके बदले हम आंसर लिखकर पूरा स्टेटमेंट एज इट इज लिख देंगे। हाउ मच के लिए लिखेंगे हम ₹20, शी पे टू द शॉपकीपर, ओके, एकदम इजी और इंटरेस्टिंग सम है ये। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। सुनीता पेज ₹9.25 फॉर वेफर्स, सुनीता ने वेफर खरीदी ₹9.25, मतलब 9.25 रुपीज़ की, एंड ₹5.75 फॉर चॉकलेट, चॉकलेट खरीदी 5.75 रुपीज़ की, मतलब दो चीज़ें उसने दुकान से खरीदी, तो हमने ये दोनों का प्लस कर दिया है। ओके, हम दुकान से 5 चीज़ें परचेस करते हैं तो 5 और 5 का प्लस करते हैं, वो तो पता है ना आपको, आपकी मम्मी आपको चीज़ लेने जब शॉप में भेजती है तो आप पहले सारी चीज़ें बोलते हो, ये दो वो दो, फिर आप देखते होगे कि शॉपकीपर क्या करता है, सारी चीज़ों का लिस्ट बनाता है, सामने उसकी प्राइस लिखता है, उसका टोटलिंग करता है, फिर आपको कहता है कि आपको इतने रुपीज़ मुझे देने हैं, ये सारी चीज़ों की प्राइस इतनी हुई। ओके, तो यहाँ पर तो दो ही चीज़ खरीदी थी जिसका हम ओरल भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ वेफर और चॉकलेट के टोटल परचेसिंग अमाउंट है 15 रुपीज़, 15 रुपये का सामान उसने
शॉप से परचेस किया। अब आगे हमें क्या कहा कि एंड गेट्स रुपीज 5 बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने उसको 5 रुपये वापस दिए, तो उसने दुकान वाले को कितने रुपीज पे किए होंगे? तो 15 + 5 = 20। तो उसने सुनीता ने दुकान वाले को 20 रुपीज पे किए होंगे, ताकि दुकान वाले ने वो 20 रुपीज में से 15 रुपीज कट कर दिए और 5 रुपये सुनीता को वापस दे दिया। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम वर्ड प्रॉब्लम के सम्स आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।